तो फिर आपका वक्त शुरू होता है, आप वोट आउट करें उस अनाड़ी को जो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जुनैद को मिला इस राउंड में कॉन्फिडेंस, लेकिन एहतिशाम इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। फैजान ने इस बार भी अच्छा नहीं खेला। इस राउंड में बार बार पास और बैंक करने से बड़ी चेन नहीं बन सकी। तो देखते हैं इस राउंड में कौन एलिमिनेट होता है। जीनत, इरम, फैजान, जुनैद, रिजा, इतना वक्त सोचने के लिए? क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? दो तीन लोग जहन में आ रहे हैं क्या रिजा? लास्ट टाइम भी डायलेमा था, अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है कि किसका नाम लेना चाहिए। फैजान कौन कौन जहन में आ रहा है? ओ, जुनैद कौन कौन जहन में आ रहा है इस वक्त? तो जीनत है। आई लाइक हाउ उन्होंने दूसरा नाम लिया नहीं, बस मुझे इशारे में बता दिया। जी एहतिशाम, मुझे लग रहा है इस दफ़ा तुम भी ज़रा, तुम्हारे ऊपर भी घड़ी सुई लटक रही है जी। लग रहा है आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है? नहीं, इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बुरा गेम खेला है दो लोगों ने। मैं बचा हुआ हूँ कि मुझसे ज़्यादा बुरा और लोगों ने भी खेला है। चलो रिजा, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। फैजान, गेट डन डन। ओके जनाब, जो नाम मेरे सामने आए वो काफ़ी शॉकिंग नाम है, बिकॉज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नाम सामने आएगा। कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, वो अनाड़ी जो इस राउंड से एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि राउंड 6 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, वो इन तीन में से कोई एक है। फैजान, जुनैद, रिजा, आप तीनों में से किसी एक का नाम लिया गया है। सब ने मिलकर, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रिजा, आपको इन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है, यानी आप राउंड 6 की तरफ नहीं बढ़ती। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन, और आपका सफर इधर ही खत्म होता है। बोल का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये शो, और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इस तरह के फॉर्मेट के ऊपर काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा मैं तैयारी के साथ आई थी इस शो में, बट आई थिंक यहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे एलिमिनेट कर दिया गया इस शो से। बट इतने सारे लोगों को बीट करके एक शो के अंदर आना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं बहुत खुश हूँ इस पर, और बोल के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया सब लोगों को, स्पेशली मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच बोल। रिजा वो कंटेस्टेंट थी जो स्ट्रैटेजी बना रही थी, जो सोच रही थी कि मैंने आगे किसको और किस तरह एलिमिनेट करना है, कौन है स्ट्रॉन्ग प्लेयर या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जिसको आखिर दम तक मैंने अपने सामने खड़े होते हुए नहीं देखना। लेकिन ये है आखिरी खिलाड़ी कौन, यहाँ कुछ पता नहीं चलता कि कौन किसको एलिमिनेट करता है। जब पूछते हैं तो बात अलग होती है, और जब लिखते हैं तो जहन बदल जाता है। यहाँ सबको सिर्फ एक मिनट मिलेगा, and your time starts now. लाखों करोड़ों बस एक मिनट में, जीतो एक मिनट में, बुध और जुमेरा शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।